दोस्तों, मेरा नाम है अरबो सकर। आप मैंने चैनल देख रहे हैं टेक्सो। आज हम जानेंगे Xiaomi मतलब MI 8 के ऊपर, जो उसका जो एक्सपेक्टेड बात जो आने वाला है दोस्तों, उसका जो स्पेसिफिक फीचर्स, उसका जो लॉन्चिंग डेट, उसका जो MRP क्या हो सकता है, जो टोटली एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, फिर बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मेरे लेटेस्ट सारी वीडियो आपके पास पहले पहुँचने के लिए। मैंने एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, कुछ भी मेरे व्यूअर्स होते हैं, वो लोग तो सब्सक्राइब कर लेते हैं बट वो लोग बेल आइकन को दबाना ही भूल जाते हैं, इसलिए मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाता ही नहीं। फिर भी नहीं जाता है तो दोस्तों मेरे चैनल पर विजिट कर लेना, फिर चेक कर लेना, मेरे सारी वीडियो आपके पास वहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, मैं वीडियो जो अपलोड का टाइमिंग है, जो आप लोग के पास जाता है, वो मेरा आप लोग मैं हमेशा 5 बजे का टाइमिंग आप लोग को मेरा नया वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा दोस्तों। इसलिए मैंने टाइमिंग इसलिए बता दिया कि तो बहुत लोग जान नहीं पाते जे मेरा वीडियो का टाइमिंग क्या है। शाम को 5 बजे आप लोग को वीडियो हर सारी वीडियो मेरा लेटेस्ट आपको बस 5 बजे का अंदर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, जो मैंने MI 8 यूथ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप वीडियो चाहे तो आप वो वीडियो आई बटन में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग MI 8 के ऊपर पहले जान लेते हैं, उसका स्पेसिफिक फीचर्स उसे पहले जान लेते हैं। उसका जो पहले उसका डिस्प्ले बताया जा रहा है, उसका स्क्रीन का साइज होगा 6.21 इंच होगा। उसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन बताया जा रहा है 1080x2248 पिक्सल होगा। उसका जो एक्सपेक्ट रेशियो 18:7:9 होगा। उसका जो बताया जाए बेजललेस स्क्रीन तो होगा ही, बट आपको नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और एक चीज़ बताइए, इसे पिक्सल का डेंसिटी होगा 402 मतलब PPI मतलब पिक्सल पर इंच होगा। उसका जो डिस्प्ले टाइप होगा सुपर एमोलेड तो नहीं, ओनली एमोलेड स्क्रीन दिया गया है। जो इसका डिस्प्ले का टाइप होगा एमोलेड। और एक चीज़ बताइए, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बताया जा रहा है 83.77% हो सकता है। उसके बाद उसे परफॉर्मेंस थोड़ा जान लेते हैं। उसका जो चिपसेट होगा स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो पिछले साल का प्रोसेसर होगा। और इसका जो CPU क्लॉक बेस्ड है ऑक्टा कोर 2.8 GHz क्वाड कोर क्यूरो 385 प्लस 1.8 GHz क्वाड कोर क्यूरो 385 होगा। ये क्लॉक बेस्ड किया गया है यह CPU का। उसके बाद आर्किटेक्चर बीट होगा 64 बीट। उसका जो एड्रेनो होगा, उसका जो GPU बताया जा रहा है एड्रेनो 630 होगा। और उसके एक चीज़ बता दूँ, उसका जो रैम होगा 6GB रैम। उसका एंड्रॉयड OS बताया जा रहा है 8.1 मतलब एंड्रॉयड ओरियो आपको देखने को मिलेगा, जब मोबाइल आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ बता दूँ, उसका जो स्टोरेज बताया जा रहा है इंटरनल स्टोरेज हो सकता है वो 64GB इंटरनल। और उसका आप एक्सपेंड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब आप एक्सपेंडेबल मेमोरी आपको सपोर्ट नहीं है दोस्तों, मतलब आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ बता दूँ, आपको डुअल सिम तो देखने को तो मिलेगा ही, बट इसमें एक चीज़ कंफर्म बता दिया है, बोल चुके हैं कि जे ये आपको डुअल वोल्टी का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब आप 2 जियो सिम एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कैमरा थोड़ा जान लेते हैं। रियर में आपको 2 कैमरा जो बताया जाए 12+12 MP डुअल कैमरा उसके साथ होगा। डुअल कलर LED फ्लैश देखने को मिलेगा, मतलब आपको सभी फ़ोन में अभी तो डुअल कलर कुछ फ़ोन में आ रहा है दोस्तों, जो आपको 2 कैमरा के साथ आप दो कलर LED फ्लैश आपको देखने को मिलेगा, जो बोलते हैं डुअल कलर LED फ्लैश। उसका जो ऑटोफोकस होगा, उसका फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस आपको देखने को मिलेगा बताया जा रहा है। उसका जो फिजिकल एपरेशन f1.8 होगा। और उसका एक चीज़ बता दो, जो कैमरा का फीचर्स, जो वीडियो का सभी फीचर्स आपको एक जैसे सभी फ़ोन के जैसे ही देखने को मिलेगा, एक चीज़ बता दूँ। उसके बाद उसका इमेज का रेजोल्यूशन 4000x3000 पिक्सल होगा। इसके ये है इमेज रेजोल्यूशन। उसका फ्रंट कैमरा का 24 MP फ्रंट कैमरा। उसका बैटरी बताया जा रहा है हो सकता है कैपेसिटी होगा 3400 mAh का बैटरी, 3400 mAh का बैटरी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसका जो बैटरी का टाइप बताया जा रहा है लिथियम पॉलीमर बैटरी होगा। उसके साथ आप लोग क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, एक चीज़ बात कंफर्म हो चुका है। और इसमें क्विक चार्जिंग का 4.0 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, ये कंफर्म हो चुका है। और एक चीज़ बता दो, ये मल्टीमीडिया होगा। लाउड स्पीकर तो देखने को ग्रिल देखने को मिलेगा कि, बट आप लोग का 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपको ऑडियो जैक USB Type-C पोर्ट ही देखने को मिलेगा,
मतलब आप लोग को जो जो लोग 3.5 mm का इस्तेमाल करते हैं उन लोग को कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा, जो यूएसबी से यूएसबी टाइप सी से आपको 3.5 mm का जो कन्वर्टर जो मिलता है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये बताया जा रहा है। और इसका जो बताया जाए फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकता है होगा बट इसमें रियल में होगा ये बताया जा रहा है। और इसका जो लॉन्चिंग डेट हो सकता है बताया जाए 6 मार्च 2019 को हो सकता है, मतलब 6 मार्च 2019 को हो सकता है ये एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। और उसका जो एमआरपी बताया जा रहा है एमआरपी जो हो सकता है जो एक्सपेक्टेड है 28,490 रुपीज़, मतलब अराउंड 28,500 रुपीज़ अराउंड हो सकता है ये बताया जा रहा है। दोस्तों एक्चुअली मैं बता दूँ ये फ़ोन मुझे ठीक ठाक लगा बट मुझे लगता है कि स्नैपड्रैगन 845 इतना कुछ दिया गया है इसलिए मुझे लगता है ये 30,000 के अराउंड मुझे लगता है आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना था कि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, और कमेंट कीजिए आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है। आज के लिए वीडियो इतना था कि दोस्तों, और एक चीज़ बता दूँ कल लोग हम लोग कल जानने वाले हैं जो Xiaomi का मतलब MI 8 SE का ऊपर हम जानने वाले कल। आज के लिए वीडियो इतना था कि दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।